नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 5 भाग 2 तक देखा। भाग 2 में आपने तने के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। अब आते हैं भाग 3 में पत्ती के बारे में। पत्ती किससे उत्पन्न होती है, कितने प्रकार की होती है और भी जो रूपांतरण है पत्तियों के, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पत्ती यानी जिसे लीफ कहा जाता है, या पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि पौधा पत्ती की मदद से ही अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। पत्ती की उत्पत्ति किससे होती है या पत्ती का निर्माण किससे होता है? तो पत्ती का निर्माण तने पर पाए जाने वाले पर्व संधियों से होता है। याद रखेंगे, तने पर पाए जाने वाले पर्व संधियों से होता है। मैंने बताया था आपको पर्व संधियाँ क्या होती हैं। दो पर्वों के बीच में जो खाली भाग होता है उसे पर्व संधि कहते हैं। और भाग एक में और भाग दो में मैं शायद बताया भी हूँ उसके बारे में। गन्ने के पेड़ को आप देखेंगे तो गन्ने पर इस तरह से लाइनिंग बनी होती है, यही कहलाता है पर्व यानी नोड। ठीक है, इस तरह से लाइनिंग बनी होती है, इसे कहते हैं गन्ने का पर्व या तने का पर्व। और इसके बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाता है? पर्व संधि। तो इसी पर्व और पर्व संधि के बीच में ऐसे निकलता है एक संरचना। धीरे धीरे यही संरचना बड़ा होकर क्या बना लेता है? पत्ती बनाता है। गन्ने पर तो नहीं है, ठीक है, गन्ने पर मत समझिएगा, गन्ने के ऊपरी भाग में होता है। अन्य पौधों की बात कर रहे हैं तो अन्य पौधों में या सभी पौधों में तने के पर्व संधि से पत्ती का निर्माण होता है। पत्ती हरे रंग की होती है मुख्य रूप से। क्यों? क्योंकि इनमें पाया जाता है एक विशेष प्रकार की कोशिकांग, या कह सकते हैं कोशिकांग हरितलवक। हरितलवक के अंदर एक वर्णक जिसका नाम है पर्ण हरिम यानी क्लोरोफिल। तो पर्ण हरिम के पाए जाने की वजह से इसका रंग हरा होता है, पत्ती का रंग। पत्ती का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, शोषण करना आदि। तो चूंकि यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसलिए यह पौधे का एक प्रमुख भाग होता है। ठीक, तो पत्ती का निर्माण किससे होता है? पत्ती का निर्माण तने के पर्व संधि से होता है। पत्ती की मुख्य बात क्या है? तो पत्ती में पाया जाता है पर्ण हरिम यानी क्लोरोफिल, जिसके सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। और अब देखते हैं पत्तियों के प्रकार। पत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिनमें हमें अभी तीन प्रकार बताए हैं। एक होता है बीज पत्री पत्ती, दूसरा सहपत्र यानी ब्रैक्ट, और हिप्सोफिल्स। बीज पत्री पत्ती जिसे कॉटिलेडिनरी लीफ कहते हैं, सहपत्र यानी ब्रैक्ट या हिप्सोफिल्स, और तीसरा सल्क पत्र यानी स्कैली लीव्स। पत्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला बीज पत्री पत्ती, ये किस प्रकार का पत्ती होता है? तो जब किसी बीज को हम अंकुरित करते हैं, यानी यहाँ पर हमने जो एग्जांपल दिया है वो सेम का बीज है। सेम के बीज को जब हम मृदा में गाड़ देते हैं, ये पूरा भाग क्या है? मृदा है। तो जब हम इसे मृदा में गाड़ते हैं तो ये अंकुरित होता है, और इसके मूलांकुर भाग से क्या निकलता है? जड़ निकलता है, और प्रांकुर भाग से फिर ऊपर की तरफ तना विकसित होता है। तो ये जो होता है ये होता है कॉटिलेडॉन या बीज पत्र कहते हैं। बीज का बीज पत्र यानी कॉटिलेडॉन। बीज पत्र के हिसाब से भी पौधों को दो भागों में बांटा गया है, एक बीज पत्री और दूसरा द्वि बीज पत्री। यहाँ पर एग्जांपल भी खूब पूछा जाता है एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री का। तो एक बीज पत्री का उदाहरण मक्का। देखिए मक्के का अगर आप सीड निकालेंगे, मक्के का अगर आप सीड निकालते हैं, बीज जो हम खाते हैं अगर उसको निकालेंगे तो उसको हम दो भाग में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन चना है, चना सूखा चना, आप उसको खोलें तो ये दो भागों में विभक्त हो जाता है, तब हम उसे चने की दाल कहते हैं। तो जो चने का सीड होता है, चने का सीड अगर हम इसको खोलते हैं तो हमको ऐसे दो संरचना दिखाई देगी। ठीक है, तो ये एक कॉटिलेडॉन, ये दूसरा कॉटिलेडॉन, तो दो कॉटिलेडॉन होता है। ऐसा बीज जिसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है द्वि बीज पत्री कहलाता है, जिसमें चना, अरहर, मटर ये सभी आते हैं। अभी मटर को देख लीजिए, मटर छीलिए, उसके बाद जो दाना निकलता है मटर का दाना, फिर उसके ऊपर से बीज कोट, सॉरी कहते हैं उसे सीड कोट कहते हैं, बीज पत्र, उसको जब आप हटाते हैं तो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। वही जो दो भाग होता है उसी को हम कहते हैं बीज पत्र, कॉटिलेडॉन। चूंकि मक्के में हम अलग नहीं कर सकते, एक सिंगल होता है, उसे हम एक बीजपत्री पौधा कहते हैं, जिसमें बीज दो भागों में विभक्त हो सकता है, चना, मटर, अरहर, उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। तो बीजपत्र जो होता है वो
बीज में पाया जाता है और मुख्यतः इसमें भोजन का संग्रह होता है। इसमें भोजन पाया जाता है, फूड मटेरियल्स, जो इसके वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो यही जो बीज पत्र होता है, ये जब धीरे धीरे जड़ निकलता है इससे, और जड़ निकलने के साथ साथ जब प्रांकुर भी विकसित होता है तो ये ऊपर आ जाता है, बीज पत्र ऊपर आ जाता है। ऊपर आकर ये पत्ती जैसी संरचना बना देता है। इसी पत्ती जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, कॉटिलेडनरी लीफ या बीज पत्रीय पत्ती। तो ये सामान्य पत्ती से अलग है, जो पत्ती आप देखते हैं हरे रंग की संरचना, उनसे ये अलग है, क्योंकि ये किससे बना है, ये तने से नहीं बना है, ये किससे बना है, कॉटिलेडॉन यानी बीज पत्र से बना है। तो ऐसे पत्तियों को हम बीज पत्रीय पत्ती कहते हैं। ये बीज के बीज पत्र होते हैं, ठीक है। बीज पत्र आपने जाना, बीज पत्र क्या होता है, जो हम खाते हैं दाल के रूप में, जो पत्ती की तरह दिखाई देती है, प्रायः इनमें भोजन संचित रहता है जिसके कारण ये फूल कर मांसल हो जाती है, जैसे सेम, चना व अरंडी यानी कैस्टर। कैस्टर ऑयल जानते हैं ना, कैस्टर ऑयल जो पड़ता है बाइक और डीजल वाले, सॉरी बाइक और कार के जो इंजन में पड़ता है ना, वो कैस्टर ऑयल इन्हीं से निकाला जाता है। एक बीजपत्री पौधों के बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे मक्का, ठीक। उस एक बीजपत्र को हम क्या कहते हैं, वरुधिका या स्क्यूटलम कहते हैं। जबकि द्विबीजपत्री पौधों के बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे चना, अरहर, मटर आदि। दूसरा प्रकार देखते हैं पत्ती का, दूसरा प्रकार सहपत्र यानी ब्रैक्ट या हिप्सोफिल्स। अब अगर एक पुष्प की संरचना देखेंगे तो पुष्प में मुख्य रूप से चार चक्र पाए जाते हैं। ये होता है उसका दल, ये है इसका वाह दल, और ये है उसका पुंकेसर, ये है जायांग। पुष्प में चार चक्र पाए जाते हैं। एक वाह दल होता है, हरे रंग की संरचना जो फूल से एकदम जुटा होता है, नीचे भाग में पाया जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं गुड़हल के पुष्प में। उसके बाद जो रंगीन संरचना होता है पुष्प का, उसे हम दल कहते हैं, और फिर पुंकेसर होता है और जायांग होता है, आगे बताया जाएगा। अब इन चार चक्र के अलावा नीचे अगर पत्ती पाई जाती है पुष्प के नीचे, या पुष्पक्रम यानी ढेर सारे पुष्प जो निकलते हैं गुच्छे में, उनके नीचे अगर पत्ती पाई जाती है, तो उस प्रकार के पत्ती को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, यानी सहपत्र कहते हैं, ठीक। तीसरा आता है पत्ती के प्रकार में सल्कपत्र यानी स्केली लीव्स। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था। अदरक में आप देखेंगे तो ये देखिए सल्कपत्र जो होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का परधर्म नहीं पाया जाता, इसी वजह से इसका रंग हरा ना होकर क्या होता है, भूरा होता है। इसका रंग भूरा होता है, सल्कपत्र का रंग कैसा होता है, भूरा। क्यों? क्योंकि इसमें परधर्म नहीं पाया जाता। अब देखिए इसका अदरक एक एग्जाम्पल है। अदरक जो हम कूच के चाय में डालते हैं, अदरक, उस अदरक में आप देखेंगे तो ऐसी संरचना पाई जाती है ढेर सारी। आप उसे हल्का सा निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहें नाखून की सहायता से आप उसे निकाल सकते हैं। ये होता है सल्कपत्र यानी स्केली लीव्स, ठीक है। ऐसे पाई जाती हैं अदरक पर भूरे रंग की संरचना। सल्कपत्र को अगर आप हटाएंगे तो इसके नीचे होती हैं कच्छस्थ कलिकाएं यानी एक्सिलरी बड, जिससे नया पौधा विकसित हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमने छोटा सा पौधा बना भी दिया है। आप सोच रहे होंगे कि अदरक में कहाँ पौधा होता है, तो अदरक को कुछ दिन वैसे छोड़ दीजिए। अगर अनुकूल समय मिला, अगर अनुकूल परिस्थिति मिली, तापमान और ह्यूमिडिटी यानी नमी और जो आसपास मटेरियल अगर उसको कुछ मिली या पोषण का, तो वो ग्रोथ करके और नया पौधा बना लेता है। क्योंकि इस अदरक के पार्ट में, मैंने बताया अदरक क्या होता है, एक कायिक प्रवर्ध होता है, वेजिटेटिव प्रोप्यूल्स, तो उससे नया पौधा विकसित हो सकता है। क्योंकि इस भाग में कच्छस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, एक्सिलरी बड, जो नया पौधा उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। तो इन्हीं स्केली लीव्स सल्कपत्र के पीछे ही होती हैं वो कच्छस्थ कलिकाएं, जिनसे नया पौधा विकसित होता है। अगर आपने कुछ दिन के लिए अदरक रख दिया, जब तक उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगी तब तक वो पौधा विकसित नहीं करता, वरना वो क्या होगा, अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो वो सड़ जाएगा। तो ये होता है सल्कपत्र। तो ठीक है, आपने जाना पत्ती के बारे में। पत्तियों के प्रकार में तीन प्रकार की पत्ती, बीजपत्री पत्ती जो बीज पत्र से उत्पन्न होता है, पत्ती नहीं होता लेकिन पत्ती माना जा सकता है क्योंकि वो पत्ती जैसी संरचना दिखाई देती है। सहपत्र जो कि पुष्प के नीचे पाई जाती हैं, पत्ती लगी होती हैं पुष्प से, उसे हम सहपत्र कहते हैं। सल्कपत्र जो
जड़ों में, ये सॉरी तने तने के रूपांतरण में पाई जाती हैं, जैसे अदरक, या एक और है एग्जांपल अदरक और घनकंद यानी अरवी। बस इतना आप लिख डालिए, हटने डालेंगे पत्ती, लिखेंगे यह पौधे का महत्वपूर्ण भाग है, इसमें हरे रंग का वर्णक पर्णहरिम पाया जाता है। देखिए पर्णहरिम संपूर्ण पौधे के वह सभी भाग जो हरे रंग के होते हैं उसमें पर्णहरिम पाए जाते हैं, चाहे वो पत्ती हो चाहे तना हो, तने में भी पर्णहरिम पाया जाता है अगर वो हरा है तो। इस वर्णक के कारण ही पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। फिर अगले लाइन से लिखेंगे पौधे में पत्ती का निर्माण पर्वसंधियों, तने के पर्वसंधियों पर होता है। पत्तियों के प्रकार में लिखेंगे पहला बीज पत्री पत्ती कॉटिलेडोनरी लीफ, लिखेंगे ये बीज के बीज पत्र होते हैं जो पत्ती की तरह दिखाई देते हैं, प्रायः इनमें भोजन संचित रहता है जिससे ये फूलकर मांसल हो जाती हैं, जैसे सेम चना व अरंडी आदि। फिर स्टाफ बनाकर लिख सकते हैं कि एक बीज पत्री पौधों के बीजों में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, जैसे जिसे वरुधिका यानी स्क्यूटुलम कहते हैं, जबकि एक बीज पत्री पौधों के बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे चना मटर अरहर आदि। फिर लिखेंगे दूसरा हेडिनार के फीगा बना सकते हैं, तीनों फीगा बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सपत्र यानी ब्रैट, पुष्प अथवा पुष्पक्रम के अक्ष में छोटे व हरे रंग की पत्तियां पाई जाती हैं जिन्हें सपत्र कहते हैं, जैसे बोगनविलिया व यूफोर्बिया में। ये बड़े व चमकीले रंग के होते हैं, साधारणतया इनका कार्य पुष्प कलिकाओं की रक्षा करना होता है। जब तक पुष्प नहीं निकला होता है तब तक ये पुष्प कलिकाओं की सुरक्षा करते हैं। अब ऐसा मत समझिएगा कि गुलाब की जो कली होती है उसमें जो पुष्प पत्ती पाई जाती है जो कली को अंदर रखे रहता है वो नहीं कहलाता, वो तो यही होता है, वाह दल होता है गुलाब में, ठीक है। गुलाब में जो कली को सुरक्षित रखता है वो वाह दल होता है। वाह दल के नीचे अगर कोई पत्ती पाई जा रही है जस्ट नीचे, तब उसे हम क्या कहते हैं, सहपत्र। तीसरा हरी नालेंगे सल्कपत्र, लिखेंगे इस प्रकार की पत्तियां प्रायः भूमिगत तनों जैसे प्रकंद घनकंद में पाई जाती हैं, ये प्रायः भूरे रंग की होती हैं। सल्कपत्र कलिकाओं के रक्षक आवरण का कार्य करती हैं। सल्कपत्र कलिकाओं यानी कच्छस्थ कलिका, इसके नीचे इस पत्तियों के नीचे अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो कच्छस्थ कलिकाएँ होती हैं जिनका ये आवरण रक्षक आवरण का कार्य करती हैं, जैसे अदरक में। ये पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं कर पाती, यानी स्केली लीव्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा वो है पुष्पीय पत्र यानी फ्लोरल लीव्स। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले पुष्प की संरचना बताया था जिसमें चार मुख्य भाग होते हैं, एक तो उसका दल और इसी में पाया जाने वाला वाह दल, फिर जायांग और साथ ही साथ पुमंग। ये चार संरचनाएं पुष्प की बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती हैं। अब इनमें चाहे ये हो गया वाह दल, चाहे इसे कहते हैं वाह दल, इसे कहते हैं पुष्प की रंगीन संरचना को दल कहते हैं। यह है पुमंग, या इसे हम पुंकेसर भी कहते हैं, ये नर संरचना होती है, और ये मादा संरचना जो कि है जायांग। तो ये जो आप देख रहे हैं जायांग, पुमंग, दल, वाह दल, ये सभी के सभी पत्ती के ही रूपांतरित भाग होते हैं। इन पत्तियों के रूपांतरित भाग को ही क्या कहते हैं, पुष्पीय पत्र यानी फ्लोरल लीव्स। आपसे पूछा जाए कि फ्लोरल लीव्स के बारे में बताएं तो कहेंगे फ्लोरल लीव्स क्या हैं, पत्ती के रूपांतरित भाग है जो पुष्प का निर्माण करती हैं, जिनमें वाह दल, दल, पुमंग और जायांग आते हैं। पुष्पों में पाए जाने वाले वाह दल, दलपुंज, पुमंग व जायांग सभी पत्तियों के ही रूपांतरित रूप हैं, इन्हें पुष्पीय पत्र यानी फ्लोरल लीव्स कहते हैं। अब आता है जो मुख्य, जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, केले की पत्ती हो गई, चाहे आम का पत्ता हो गया, या फिर अमरूद का पत्ता हो गया, या फिर किसी अन्य बड़े पौधे का पत्ता जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, उस पत्ते को हम क्या कहते हैं, सामान्य पत्ती यानी फोलिएज लीव्स। गुड़हल की पत्ती, गुलाब की पत्ती, इन सभी की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्य पत्ती यानी फोलिएज लीव्स। बाकी सबके बारे में तो हम पहले से नहीं जानते थे, लेकिन इसके बारे में तो हम बचपन से जानते, जिन्हें हम पत्ती कहते कहते समझते थे, लेकिन उसके ऊपर जो चीज़ें थी वो तो थोड़ा टेक्निकल था जिसके बारे में आपको बता दिया गया। अब जो सामान्य रूप से पत्ती हम देखते आए हैं बचपन से, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हरे रंग की सामान्य पत्तियाँ होती हैं। क्यों हरा रंग होता है, क्योंकि इसमें पर्णहरिम पाया जाता है।
वायवीय तनु और शाखाओं पर लगी होती हैं। ये अधिक चपटी होती हैं। चपटी क्यों होती हैं? जिससे अधिक प्रकाश उन पर पड़े। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, श्वसन और वाष्पोच्छरण की क्रियाएं करती हैं। एक सामान्य पत्ती के तीन मुख्य भाग होते हैं। एक उसका पर्णाधार यानी लीफ बेस होता है, जहाँ से ये पत्ती तने से जुड़ी होती है। ये इतना भाग क्या कहलाता है इसका? इस पत्ती का इतना भाग लीफ बेस कहलाता है, ठीक है? पर्णाधार, पर्णाधार, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो पर्ण प्लस आधार से मिलकर बना हुआ है, यानी पत्ती का आधार भाग क्या कहलाता है? पर्णाधार यानी लीफ बेस, जिसे हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं, टेक्निकल वर्ड। दूसरा आता है पर्ण वृंद यानी पेटियोल, पत्ती का पर्णाधार और ये जो भाग उभरा हुआ भाग होता है चपटा भाग, इसके बीच में जो डंडी होती है इसी को हम क्या कहते हैं? पेटियोल यानी पर्ण वृंद, ठीक है? या इसे हम टेक्निकल फॉर्म में मेसोपोडियम भी कहते हैं। फिर तीसरा था पर्ण फलक यानी लैमिना और एपिपोडियम, यहाँ से लेकर संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? इसी को हम लैमिना कहते हैं, लैमिना, ठीक है? लैमिना यानी पर्ण फलक, ये संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? लैमिना यानी पर्ण फलक। तो पत्ती के तीन मुख्य भाग हुए, कौन कौन से? पहला पर्णाधार यानी लीफ बेस, जिसे हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं, हाइपोपोडियम। दूसरा पेटियोल, जिसे हम पर्णवृंत या मेसोपोडियम भी कहते हैं। और पर्णफलक, संपूर्ण भाग पर्णफलक कहलाता है लैमिना, जिसे हम एपिपोडियम भी कहते हैं। याद करिए, पत्ती के तीन भाग, लीफ बेस यानी हाइपोपोडियम, पेटियोल यानी मेसोपोडियम और लैमिना यानी एपिपोडियम। लैमिना के बीचों बीच एक लाइनिंग आपने जरूर देखी होगी, इसी लाइनिंग को क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। सबसे पहले हम पर्णाधार के बारे में पढ़ते हैं, लीफ बेस क्या होता है। तो लीफ बेस के बारे में हम जाना कि पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, पत्ती का वह भाग जो तने या शाखा से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? लीफ बेस यानी पर्णाधार कहलाता है। ज़्यादातर आप इंग्लिश वर्ड का ही यूज़ करेंगे क्योंकि हिंदी बहुत ही कठिन है यहाँ पर। यह निम्न प्रकार का होता है, लीफ बेस भी कई प्रकार का होता है। ये जो आप देख रहे हैं लीफ बेस, ये कई प्रकार का होता है, जिनमें से कुछ प्रकार के बारे में अभी आपको बताया जाता है। पहला था पर्व वृंत तल्प यानी पल्वाइनस, खूब पूछा जाता है पल्वाइनस प्रकार के लीफ बेस किस में पाई जाती हैं, तो आम, पीपल, जो हम जनरली देखते हैं, अमरूद, इन सभी में। ये सामान्य प्रकार की पत्ती पल्वाइनस होती हैं। इनका जो लीफ बेस होता है वो मोटा होता है, देखिए मोटा होता है, इसी वजह से ये बहुत कोमल भी होती हैं। पत्ती को तने से तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुरंत टूट जाता है। इस प्रकार का पर्णाधार कुछ फूला होता है या तने से मजबूती से नहीं चिपका होता है, इसके कारण इस प्रकार के पर्णाधार वाली पत्ती को आसानी से तोड़ा जा सकता है, जैसे आम, पीपल आदि में। दूसरा आता है आच्छादक यानी सीडिंग। इस प्रकार की पत्ती में क्या खास बात है? तो इस प्रकार की अगर आप पत्ती को देखें तो पत्ती का जो पर्णाधार है यानी लीफ बेस, वो एकदम बराबर चौड़ा होता है पत्ती के पर्णफलक यानी लैमिना के बराबर। और इस प्रकार से ये जो पत्ती होती है वो पाई जाती है केले में, ठीक है? ऐसे केले में होती है, मक्का हो गया या गन्ना, इन सभी की जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उनका लीफ बेस आच्छादक यानी सीडिंग टाइप का होता है। ये जो पत्तियाँ होती हैं ये इतनी मोटी मोटी होती हैं जो यहाँ पर जाकर एक मोटा संरचना बनाती हैं। केले में अगर बात करें हम, केला, तो केले का जो पेड़ होता है जो हम देखते हैं, उसका ये जो मोटा भाग होता है केले का, केले के पेड़ का मोटा भाग, ये इन्हीं पत्तियों द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है? इन्हीं पत्तियों द्वारा बनाया गया होता है। ये जो तना होता है जो हम देखते हैं केले के पेड़ का, वो इन्हीं पत्तियों के आच्छादक पर्णाधार यानी लीफ बेस से बना होता है, इस वजह से इस तने को हम आभासी तना कहते हैं, फॉल्स स्टेम। केले का असली तना भूमि के नीचे होता है, ठीक है?
जो ये तना जो हम देखते हैं वो शुद्ध तना नहीं होता, ये इन्हीं पत्तियों के द्वारा बनाया गया होता है। इस वजह से ऐसे तने को हम क्या कहते हैं, आभासी तना। केले का जो सत्य तना या कह सकते हैं वास्तविक तना, वो भूमि के नीचे होता है। बस अब याद में इतना आप लिखेंगे। चौथा लिखेंगे पुष्पीय पत्र, लिखेंगे पुष्पों में पाए जाने वाले बाह्य दल, दल पुंज, कौमा पुमंग व जायांग सभी पत्तियों के ही परिवर्तित रूप हैं, इन्हें पुष्पीय पत्र कहते हैं। पांचवा सामान्य पत्ती यानी फोलियोज लीव्स, लेकिन ये हरे रंग की सामान्य पत्तियां होती हैं जो वायवीय तनों और शाखाओं पर लगी रहती हैं। ये अधिक चपटी होती है। इनका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण, श्वसन व वाष्पोत्सर्जन क्रियाओं में भाग लेना है। एक सामान्य पत्ती के भाग लिखेंगे, लिखेंगे एक सामान्य पत्ती के निम्न के तीन भाग होते हैं। पर्णाधार यानी लीफ पेज जिसे हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं, पर्णविरिंद पेटियोल जिसे मेसोपोडियम भी कहते हैं, पर्णफलक लैमिना जिसे हम एपिपोडियम भी कहते हैं। अब हम पर्णाधार को समझेंगे। पर्णाधार यानी लीफ पेज क्या होता है, तो लिखेंगे यह पत्ती का वह भाग जो तने या शाखा से जुड़ा रहता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला पर्णविरिंद तल्प यानी पल्वाइनस, लिखेंगे इस प्रकार का पर्णाधार कुछ फूला होता है या तने से मजबूती से नहीं चिपका होता, जिसके कारण इस प्रकार के पर्णाधार वाली पत्ती को आसानी से तोड़ा जा सकता है, जैसे आम पीपल आदि में। तीसरा था आच्छादक यानी सीडिंग, लिखेंगे एक बीजपत्री पौधों जैसे मक्का गन्ना केला आदि में पर्णाधार चौड़ा व चपटा होकर तने के पर्व संधि के कुछ भागों को ढके रहता है। ब्रैकेट में लिखेंगे केले में विभिन्न पत्तियों के आच्छादक एक दूसरे से लिपट कर तने जैसी हरे रंग की संरचना बनाती हैं, जिन्हें आभासी तना कहा जाता है। लिखेंगे जबकि केले का वास्तविक तना भूमिगत होता है। बस आइए अब देखते हैं दूसरा पर्णाधार जो कि है अधोवर्धी प्रकार का, डी करेंट टाइप। ऐसा पर्णाधार जिसका जिसके साथ साथ कुछ दूरी तक पर्णवृंत भी फूल कर एक पंख जैसी संरचना बनाती हैं, ऐसे पर्णाधार को हम अधोवर्धी प्रकार का पर्णाधार कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम। और ये पर्णाधार पर्व संधि, यहाँ से ये है पर्व, ये मान लेते हैं पर्व है, ये है पर्व, ये है आपका पर्व संधि। तो ऐसा पर्णाधार पर्व संधि के कुछ भाग को भी घेरे रहता है। इस प्रकार के पर्णाधार को हम अधोवर्धी प्रकार का पर्णाधार यानी लीफ बेस कहते हैं, डी करेंट टाइप लीफ बेस। तो कुछ पौधों में पर्णाधार के साथ साथ पर्णवृंद भी चौड़ा चपटा व सपक्ष यानी विंग्ड हो जाता है और पर्व संधि के कुछ भागों को घेरे रहता है, जैसे सिनकाइटियम आदि में। बस ये हो गया संपूर्ण तीन प्रकार के पर्णाधार के बारे में। अब इसके बाद आता है पर्णवृंत लीफ। आपको बताया गया तीन मुख्य भाग होते हैं पत्ती के, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक लैमिना। पर्णाधार आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे पर्णवृंत के बारे में। लेकिन पर्णवृंत क्या है, पत्ती की जो डंठल होती है उसी को हम पर्णवृंत कहते हैं। पर्णवृंत से पहले यहाँ पर दो संरचना बनाई गई है, एक ये छोटी सी पत्ती जैसी संरचना जिसे हम अनुपत्र यानी स्टिप्यूल कहते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा उभार मिलता है जिसे हम एक्सिलरी बड यानी कच्छस्थ कलिका कहते हैं। कच्छस्थ कलिका पौधे का वह भाग होता है जिससे नए तने का, नए शाखा का विकास हो सकता है, नई पत्ती का निर्माण हो सकता है। और कच्छस्थ कलिका कुछ अन्य महत्वपूर्ण भागों में जैसे आलू के प्रकंद कंद में, अदरक के प्रकंद में और लहसुन प्याज के सल्क कंद में, अरवी के घन कंद में, इन सभी में जो कच्छस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं उनसे पूर्ण पौधा भी विकसित होता है, जिनके बारे में आपको पहले भी बताया गया। तो ये क्या होता है, अनुपत्र यानी स्टिप्यूल। तो पत्ती के पर्णाधार के पास एक छोटी सी पत्ती की समान संरचना होती है जिसे हम अनुपत्र यानी स्टिप्यूल कहते हैं। इस स्टिप्यूल का कार्य क्या होता है, अनुपत्र का कार्य होता है कि जब पत्ती निकल रही होती है तो उसकी छोटी सी जो शाखा है, जैसे ये मान लेते हैं, देखिए पत्ती से पहले अनुपत्र निकलता है, ये तने का नोड है तो ये है अनुपत्र। अब अनुपत्र के पास से धीरे धीरे पत्ती की छोटी शाखा निकलेगी, धीरे धीरे यही बड़ी होकर नई पत्ती का रूप ले लेती है। तो जब पत्ती छोटी सी कलिका अवस्था में होती है तो अनुपत्र उस पत्ती की सुरक्षा करता है। बस ये अनुपत्र का कार्य होता है। तो अनुपत्र यानी स्टिप्यूल कुछ पौधों की पत्तियों के पर्णाधार यानी लीफ बेस के पास एक पार्श्व उपांग पाया जाता है जिसे अनुपत्र कहते हैं। अनुपत्र भी प्रायः हरे रंग के ही होते हैं। इनका कार्य कलिका के अंदर
तरुण पत्ती की रक्षा करना है। तरुण मतलब नए, जो छोटी से नई पत्ती बनती रहती है धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी रक्षा करना होता है। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं लेकिन इनके जीवन अवधि पर डिपेंड करता है। अगर पहला शीघ्रपाती यानी कैडुकस, कैडुकस टाइप स्टिप्यूल, अगर पत्ती निकलने से पहले अगर अनुपत्र गिर जाता है, अनुपत्र पर्णफलक यानी लैमिना, देखिए छोटा सा यहाँ तक भाग बना पत्ती की, यहाँ तक भाग बनी यानी पर्णवृंत तक बना, लेकिन पर्णफलक के बनने से पहले ही अगर ये अनुपत्र गिर जाता है, पौधे से अलग हो जाता है, तब उस प्रकार के अनुपत्र को हम शीघ्रपाती यानी कैडुकस टाइप ऑफ स्टिप्यूल कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है चंपा, यानी अभी ये पत्ती नहीं विकसित हुई है, पत्ती धीरे धीरे रूप ले रही है, पर्णफलक बनने से पहले अगर ये स्टिप्यूल पौधे से गिर जाता है, अलग हो जाता है, तो इस प्रकार के अनुपत्र को हम स्टिप्यूल्स कहते हैं, शीघ्रपाती यानी कैडुकस टाइप ऑफ स्टिप्यूल कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है चंपा। यहाँ पर भी डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, बताइए शीघ्रपाती अनुपत्र का उदाहरण चंपा या माइसिला। दूसरा आता है पर्णपाती यानी डेसिडुअस, ऐसा अनुपत्र ये है एक छोटा सा अनुपत्र, ऐसा अनुपत्र जो तब तक रहता है जब तक पत्ती विकसित नहीं हो जाती, जैसे ही उसका लैमिना यानी पर्णफलक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है ये अनुपत्र वहाँ से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के अनुपत्र को हम पर्णपाती यानी डेसिडुअस टाइप कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब पर्णफलक के खुलने से पहले अगर अनुपत्र अलग हो जाता है तब उस प्रकार के हम शीघ्रपाती कहते हैं, पर्णफलक के बनने के बाद गिरता है तब उसे हम क्या कहते हैं, पर्णपाती यानी डेसिडुअस टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल अमलतास यानी कैसिया है। तीसरा आता है सदापर्णी अथवा चिरलग्न, ऐसा स्टिप्यूल, ऐसा अनुपत्र जो पत्ती के साथ हमेशा लगा रहता है जीवन पर्यंत, जब तक वो पत्ती नहीं गिरती तब तक, तो इस प्रकार के अनुपत्र को हम सदापर्णी अथवा चिरलग्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुलाब, गुड़हल आदि। बस ये था छोटी सी बात अनुपत्र के बारे में। तो अनुपत्र के बारे में आपने क्या जाना, स्टिप्यूल के बारे में, कि अनुपत्र पर्णधार के पास विकसित एक छोटी सी उपांग है, अपेंडेज है, जो पत्ती की कलिका अवस्था में उसकी सुरक्षा करता है। अनुपत्र तीन प्रकार का होता है, शीघ्रपाती, पर्णपाती और चिरलग्न। तो शीघ्रपाती जब पत्ती के पर्णफलक बनने से पहले ही अनुपत्र गिर जाता है तब उस प्रकार के अनुपत्र को हम शीघ्रपाती कहते हैं, जब पत्ती के पर्णफलक बनने के बाद ये गिर जाता है तब इसे हम पर्णपाती कहते हैं, और यदि पत्ती के बनने के बाद भी यह लगा रहे पौधे से तब उस प्रकार के हम अनुपत्र को चिरलग्न अनुपत्र कहते हैं। बस अब आता है पर्णवृंत के बारे में, पेटियोल। पेटियोल क्या है, तो पर्णवृंत पत्ती का डंठल होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग पत्ती का डंठल, उसे हम पर्णवृंत यानी पेटियोल कहते हैं। जिस पत्ती में पर्णवृंत नहीं पाया जाता है, जिस पत्ती में पर्णवृंत नहीं पाया जाता, यानी अगर आप देखें तो वो तने से सीधे ऐसे जुड़ा होता है, तब इस प्रकार के पत्ती को हम क्या कहते हैं, सेसाइल यानी आवृंत। आवृंत पत्ती यानी सेसाइल लीफ कहते हैं। ये खूब पूछा जाता है आवृंत या सेसाइल लीफ के बारे में। सेसाइल लीफ यानी जिसमें पर्णवृंत पत्ती का डंठल नहीं पाया जाता, उस प्रकार के पत्ती को हम आवृंत पत्ती यानी सेसाइल लीफ कहते हैं। इसका एग्जांपल गेहूं, धान, मदार। मदार यानी कैलोट्रोपस। आप वहाँ मदार के पेड़ में तो सबसे आसानी से देख सकते हैं, वहाँ पर पत्ती का डंठल नहीं होता उनमें। जिन पत्ती में पर्णवृंत पाया जाता है उन्हें हम सवृंत यानी पेटियोलेट लीफ कहते हैं। जिन पत्ती में पर्णवृंत पाया जाता है यानी पत्ती का डंठल पाया जाता है उसे हम सवृंत यानी पेटियोलेट कहते हैं। आप इसका एग्जांपल देखे ही होंगे, पीपल, आम, अमरूद, कपास, गुड़हल, सब में पत्ती में जो डंठल पाई जाती है सभी ने देखा होगा।
लेकिन शायद पत्ती का डंठल नहीं पाया जाता, ये नहीं ध्यान दिया होगा, तो आपके आसपास में मदार का पौधा तो जरूर होगा, तो मदार के पौधे में आप देख सकते हैं उसमें पत्ती में डंठल नहीं पाई जाती। तो ये है पर्णवृंत यानी पेटियोल के बारे में। पर्णवृंत क्या होता है? पत्ती का डंठल होता है, ये पत्ती को तने से जोड़े रखता है और उसको एक स्थिरता प्रदान करता है। पर्णवृंत भी कई प्रकार के होते हैं। आइए अब पर्णवृंत के प्रकार देखते हैं। पर्णवृंत मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, सपक्ष पर्णवृंत जो कि विंग्ड पेटियोल कहलाता है, दूसरा पड़ाव वृंत यानी जिसे हम फिलोड कहते हैं, तीसरा प्लवन या केंद्रीय पर्णवृंत जिसे हम स्पॉन्जी पेटियोल कहते हैं। यहाँ पर उसके फिगर्स तीनों के बनाकर दिखाया हूँ। पहला वाला है सपक्ष पर्णवृंत, ऐसा पर्णवृंत जो पंख की तरह से हो जाता है, पंख की तरह से, ऐसे पर्णवृंत को हम सपक्ष पर्णवृंत कहते हैं। यह पंख, ये पर्णवृंत पत्ती के समान दिखाई देता है और पत्ती के समान कार्य भी करता है। दूसरा आता है पड़ाव वृंत। पड़ाव वृंत ज़्यादातर आपको संयुक्त पत्तियों में देखने को मिलेगा, मतलब ऐसी पत्तियाँ जो एक ही पत्ती के रूप में दिखाई पड़ती हैं लेकिन बहुत सारी पत्तियाँ उसमें पाई जाती हैं, तो ऐसे पत्ती संयुक्त पत्ती कहलाते हैं। संयुक्त पत्ती पर कभी कभी जो उनका पर्णवृंत होता है वो चपटा होकर बड़ा आकार ले लेता है और यह भी एकदम पत्ती की तरह कार्य करता है, पत्ती की तरह भोजन का निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार के पर्णवृंत को पड़ाव वृंत कहते हैं। देखने में लगता है कि ये भी पत्ती का ही रूप है लेकिन पत्ती नहीं है, ये क्या है? पर्णवृंत यानी पेटियोल, पत्ती का डंठल है लेकिन पत्ती के समान हो जाता है, इसी वजह से इनके अलग अलग नाम दे दिए गए। जो छोटा है एक ही पत्ती पर लगा है उसे हम सपक्ष पर्णवृंत कहते हैं, एक ऐसा पर्णवृंत जो कई सारे संयुक्त पत्ती पे लगा होता है उसे हम पड़ाव वृंत कहते हैं, ऐसा पर्णवृंत, ऐसा पेटियोल जो फूल कर गेंद के समान हो जाता है उसे हम प्लवन या केंद्रीय पर्णवृंत कहते हैं। अगर आप इसको काट कर देखेंगे तो इसमें इस तरह से एक बॉल जैसी संरचना दिखाई देती है, उसमें हवा भरा होता है, और हवा नहीं कहेंगे क्योंकि वो कोई टायर नहीं है, वो पर्णवृंत है, उसमें वायु भरा होता है जिसकी वजह से पौधे पानी पर तैरते हैं। ये ज़्यादातर जलीय पौधों में पाया जाता है, ये पानी में तैरने में सहायता करते हैं क्योंकि इसमें वायु भरा होता है। तो इस प्रकार के पर्णवृंत को हम प्लवन या केंद्रीय पर्णवृंत कहते हैं, ये फूल कर हवा के कारण फूल कर बॉल जैसे हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इसमें हवा ही भरा होता है, नहीं, इसमें कोशिकाओं का समूह भी पाया जाता है, जहाँ जहाँ पर खाली स्थान है उसी रिक्त स्थान में वायु भरा होता है। तो पत्तियों में पर्णवृंत निम्न रूपों में पाया जाता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला सपक्ष पर्णवृंत यानी विंग्ड पेटियोल, ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसमें पर्णवृंत चपटा होकर पत्ती की तरह हो जाता है तथा पत्ती के लगभग सभी कार्य करता है जैसे नींबू संतरा देसी मटर आदि में। दूसरा आता है पड़ाववृंत, कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियाँ यानी बहुत सारे लीफलेट्स जब पाए जाते हैं तो उनका जो एक सिंगल पर्णवृंत होता है वो पत्ती की तरह दिखाई देता है, उसे हम पड़ाववृंत कहते हैं। तो कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णवृंत पत्ती सदृश संरचना में प्रयुक्त हो जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल आदि में। तीसरा था प्लवन या केंद्रीय पर्णवृंत जिसे हम स्पॉन्जी पेटियोल कहते हैं, कुछ जलीय पौधों जैसे जलकुंभी आइकोनिया सिंघाड़ा ट्रैपा आदि में पर्णवृंत फूल कर स्पंजी हो जाते तथा वायु से भरा होता है जिसके कारण पौधा आसानी से तैर सकता है पानी में, ठीक है। बस तो इसके एग्जाम्पल दो हैं, जलकुंभी और सिंघाड़ा। बस ये हो गया दूसरा पार्ट पत्ती का पर्णवृंत। अब आता है तीसरा पार्ट पर्णफलक। तो पर्णफलक के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको सीधे हेडिंग डाल के लिखना है पर्णफलक यानी लैमिना के बारे में कि पर्णफलक पत्ती का एक चौड़ा हुआ हरा भाग है जिसके मध्य में पर्णवृंत से लेकर शीर्ष तक एक रेखा जाती है, उसे हम मिड रिब यानी मध्य सिरा कहते हैं या इसे मिड वेन भी कहते हैं, ठीक है। बस पर्णफलक ये था पत्ती का तीसरा भाग, हेडिंग डाल के लिखेंगे तीसरा पर्णफलक यानी लैमिना लिखेंगे, या पत्ती का हरा चौड़ा भाग होता है जिसके मध्य में पर्णवृंत से सिरा तक एक रेखा जाती है जिसे मध्य सिरा यानी मिड वेन कहते हैं। बस ये था पत्ती के संपूर्ण संरचना के बारे में। अब इसके बाद आता है पत्तियों के प्रकार, पत्ती सरल प्रकार की और संयुक्त प्रकार की पत्ती होती है, इनके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप दे दें। सबसे पहला क्वेश्चन, एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण बताइए। दूसरा, द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण बताइए। तीसरा क्वेश्चन, पत्ती की कितनी संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पल्वाइनस टाइप का लीफ बेस किस पौधे में पाया जाता है? नेक्स्ट, डी करंट टाइप लीफ बेस किस पौधे में पाया जाता है? देखिए, ज़्यादातर आप कोशिश इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करिए डी करंट पल्वाइनस, क्योंकि हिंदी बहुत टफ है, याद आ तो नहीं होता है, इससे अच्छा आप इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दें। तो डी करंट टाइप ऑफ लीफ बेस किस पौधे में होता है? नेक्स्ट, कैडुकस टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स किस पौधे में पाया जाता है? नेक्स्ट, फिल्लोड पैटियोल का उदाहरण बताइए। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें पहले चिंतित चैनल के साथ। धन्यवाद।